जिला सोलन के बद्दी में फिर से 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें जिसमें से 2 मामले क्वारंटीन सेंटर के हैं, लेकिन एक मामला भूड क्षेत्र का है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं, क्योंकि अभी तक जो भी मामले सामने आए थे वह क्वारंटीन सेंटर से ही टेस्ट के बाद पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन ये जो नया मामला आया है इसमें क्वारंटीन सेंटर का नहीं है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि बद्दी में 3 मामले कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे। ये माँ और बेटा है जो दिल्ली से घर आए थे। उन्होंने बताया कि एक महिला अस्पताल में आई थी, जिसका रैंडम सैंपल लिया गया और उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जैसा कि नालागढ़ ब्लॉक में जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं, उसमें से हमने जो सन सिटी में कुछ लोग जो ठहरे हुए हैं उनमें से सैंपलिंग की थी, जिनके के रिजल्ट कल रात को आए हैं। उनमें से एक माँ और एक उसका बच्चा, दो जने जो पॉजिटिव आए हैं, उनकी हिस्ट्री दिल्ली से आए हैं। वो लोग दिल्ली से आए थे और उनको वहीं पर क्वारंटाइन किया गया था, उसकी सैंपलिंग की गई और वो पॉजिटिव आए हैं। और एक और जो लेडी है वो पॉजिटिव आई है, वो अन्नपूर्णा होटल के नज़दीक एक जो वहाँ रहती है, किराए पे रहते हैं, इसकी फैमिली है। फैमिली में एक इसके हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं इसके, हस्बैंड और एक बच्चा, और इसका सैंपल हो गया था, जिसमें से 2 तो नेगेटिव आ गए हैं, ये अपने आप पॉजिटिव आई है लेडी। एक छोटा बच्चा है, उसका सैंपल नहीं हुआ हुआ। इन सबको ले जाकर हमने जो काठा हॉस्पिटल में रख दिया है, और इस बच्चे की भी सैंपलिंग के लिए कर लेंगे हम, और साथ में इसके कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री हम ट्रेस आउट कर रहे हैं कि कौन कौन से लोगों को इसने इन्फेक्ट किया है। मोस्ट प्रॉबली ये 22 तारीख को जो आई है चोर रास्तों से, जैसे कह रहे हैं कि बद्दी वगैरह में बड़े रास्ते हैं, पैदल रास्ते आ रहे हैं, ये यूपी से आई है, जो 22 तारीख को आई है। उसके बाद क्योंकि फैक्ट्री वालों ने मना किया है इसको लेने के लिए, इस करके ये वहाँ सैंपलिंग करवाने के लिए हमारे पास आई, और ILI के उसमें हमने इसको डिटेक्ट करके इसका सैंपल किया था और ये पॉजिटिव पाई गई है। और अभी ये सारे के सारे लोग हमारे ESI काठा में रखे गए हैं। टोटल हमारे 11 पहले एडमिट थे, 3 केसेस अब एडमिट किए गए हैं। ये 2 लोग तो रेड जोन से आ रहे हैं, उनको तो इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है, एक्सेप्ट उन केसेस में अगर बहुत छोटा बच्चा है किसी के पास, या प्रेग्नेंट मदर है, या फिर कोई बुजुर्ग हैं जो वहाँ हमारे क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रह सकते, तो उनको घरों में इस ढंग से क्वारंटाइन किया जाता है कि ताकि वो सेपरेट रहें और उनकी देखभाल की जा सके। बाकी सबको रेड जोन से जितने भी आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके उनके 4th डे हम सैंपलिंग उठा रहे हैं, और जो लोग ऑरेंज जोन से या फिर ग्रीन जोन से आ रहे हैं, वो जैसे या तो सिम्टोमेटिक होते हैं या फिर हम रैंडमली उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं, ताकि वहां से भी हम देख पाएं कि वो लोग भी पॉजिटिव तो नहीं हो रहे।